उत्तरवार सहित देश भर के इन राज्यों में एक बार फिर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की होगी झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी के ऊपर ताजा कम दबाव के एक क्षेत्र के चलते देश के कई राज्यों में मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव बना जो कि ओडिशा के कुछ हिस्सों में आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ पश्चिम की ओर जाएगा, सिस्टम कमजोर हो जाएगा और एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य की ओर बढ़ना जारी रखेगा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में मध्यम से भारी बारिश होगी। निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर पश्चिमी क्षोभ के रूप में पंजाब और आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान राज्य में मानसूनी ब्रेक खत्म हो गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इन जिलों में होगी बारिश। राज्य में 7 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, सीकर, अजमेर संभाग के भागों में 9 सितंबर तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश तो कुछ में तेज बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के भी बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में 8 और 9 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बलिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ ही बारिश होगी। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मध्य प्रदेश राज्य में भी मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में पहुंचेगा। मध्यम से भारी बारिश होगी। राज्य में 7 से लेकर 11 सितंबर के बीच मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में ज्यादा बारिश होगी। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, राजधानी भोपाल में भारी बारिश का खतरा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्वालियर, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, भिंडी, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, इन जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी कई स्थानों पर मध्यम वर्षा तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अंबिकापुर, पेंड्रा, दुर्ग, रायपुर, जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा जैसे स्थानों पर मजबूत मानसून की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR में 7 से लेकर 10 सितंबर के दौरान पूरे इलाके में बादलवाही देखने को मिलेगी। उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियों की संभावना भी बन रही है। विदर्भ और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने, तेज हवाओं के साथ में बारिश हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगे पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, CNM, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। बिहार, झारखंड, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।